नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ सिमरन तिवार और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 8 नवंबर मंगलवार शाम का बुलेटिन। चलिए देखते हैं अब तक की शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं पाकिजा। जिला अस्पताल के चरक भवन में भर्ती मासूम बच्चों और उनकी माताओं को चढ़ाई जाने वाली बोतलों के मामले में बेहद ही गंभीर लापरवाही का खुलासा हुआ है। चरक भवन में कई बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सितंबर में बैक्टीरिया युक्त दवा चढ़ा दी गई। 3 महीने पहले हुए इस घटनाक्रम की पुष्टि अब लैब से आई जांच रिपोर्ट से हुई है। उज्जैन जिला अस्पताल में DNS की इन बोतलों की सप्लाई धार जिले की कंपनी ने की थी। आईवी फ्लूट लिक्विड सोडियम कंपाउंड की बोतलों की खेप सिविल सर्जन के चरक भवन स्थित स्टोर में रखी गई थी और इसे वार्डों में सप्लाई किया गया था। वार्डों में नवजात बच्चों और गर्भवतियों को ये फ्लूट चढ़ाया गया था। इनके चढ़ाने के बाद कुछ बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी, तब ये मामला अस्पताल के भीतर ही दबा दिया गया। शंका के आधार पर सिविल सर्जन के कहने पर ड्रग इंस्पेक्टर धर्म सिंह कुशवाहा ने DNS बोतलों का सैंपल कोलकाता स्थित सरकारी लैब में जांच के लिए भेजा था। केंद्रीय लेबोरेटरी से मिली रिपोर्ट में सैंपल फेल पाया गया है, इसमें बैक्टीरिया होने की पुष्टि हुई है। लैब रिपोर्ट आने के बाद अब सिविल सर्जन कार्यालय के जरिए सप्लाई कंपनी से जवाब मांगा गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर PN वर्मा की माने तो इन बोतलों की खरीदी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के जरिए की गई है। सैंपल लेने के बाद स्टॉक का उपयोग रोक दिया गया था। इस संबंध में ड्रग इंस्पेक्टर धर्म सिंह कुशवाहा ने बताया, एक शिकायत प्राप्त हुई थी अपने यहाँ पे स्थानीय कार्यालय से ही कि कुछ DNS लाइवी बोटल्स हैं जिनके लगाने इंजेक्ट करने से कि बच्चों में कुछ ज्वर जैसा एडवर्स रिएक्शन हो रही है, तो उसका सैंपल लिया गया था। हमने कलकत्ता भेजा था CDLM में, ठीक, वहाँ से सैंपल फेल हुआ है, तो इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। हो सकता है इसमें अगर जवाब सही से नहीं आता तो न्यायालय में चलन भी पेश किया जाए। बहरहाल सरकारी अस्पताल में हुई ये लापरवाही गंभीर श्रेणी की है। शुक्र है इससे नुकसान नहीं हुआ, नहीं तो ये बड़े हादसे का सबब बन सकती थी। चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना को देखने के लिए उत्सुक शहरवासियों को उस समय मायूस होना पड़ा जब चांद बादलों के पीछे छिप गया। पूर्णिमा होने के बावजूद आसमान में चांद नजर नहीं आया और लोग ग्रहण देखने से वंचित रह गए। दरअसल उज्जैन में चंद्रोदय शाम 5:43 पर होने से केवल 36 मिनट अर्थात शाम 6:19 तक ग्रहण दिखाई देने वाला था, लेकिन दोपहर से ही आसमान में बादलों की आवाजाही शुरू हो गई जिसने चांद को भी अपने आगोश में ले लिया। आज साल के अंतिम चंद्र ग्रहण को लेकर उत्साहित शहरवासी इस खगोलीय घटना को निहारने के लिए जीवाजी वैद्यशाला पहुंचे थे, लेकिन बादलों ने उनकी उम्मीद पर पानी फेर दिया और वे चंद्र ग्रहण नहीं देख सके। बच्चे सबसे अधिक मायूस नजर आए। इधर चंद्र ग्रहण के चलते सुबह से बंद मंदिरों में मोक्ष काल के बाद शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। इस दौरान राम घाट पर श्रद्धालु ने शिप्रा में स्नान भी किया। मैंने सोचा है कि चंद्र ग्रहण देखूंगा कि कैसा होता है, उसका आकार कैसा होता है, कैसा दिखता है। ये मेरी फर्स्ट टाइम है। अच्छा, क्या मालूम है आपको चंद्र ग्रहण के बारे में? क्या जानते हैं आप, कैसा होता है, कुछ है जानकारी आपको? ऐसा कुछ खास नहीं। अच्छा, कौन आया आपके साथ में यहाँ पर? मेरे साथ मेरी छोटी बहन आई है, मेरे पापा आए, मेरी मम्मी आई। लेके उससे देखे आई। अच्छा, क्या होता है चंद्रग्रहण में आपको मालूम है? नहीं पता। ठीक, पहली बार देखने आए। अच्छा, कौन आया आपके साथ? मेरे पापा और मम्मी जी। बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था, हमेशा हमने बुक्स में पढ़ा है बट आज प्रैक्टिकली देखने आए थे, बट क्लाउड्स ज़्यादा होने की वजह से शो नहीं हो पा रहा है। मून बोला था कि रेड कलर का हो जाता है तांबे के जैसा, बट वो टाइम भी चली गया है और अब नहीं शो पा रहा है। या बट अच्छा एक्सपीरियंस था। आज वर्ष का पूर्ण आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण था। ग्रहण का प्रारंभ 2:38 पर हो गया था। मध्य की स्थिति 4:19 से 5:12 तक थी। उस समय ग्रहण पूर्णता की स्थिति में देखा जाना था। भारत का जो पूर्वोत्तर हिस्सा है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, पटना, रांची, यहाँ पर पूर्ण ग्रहण की स्थिति देखी जाना थी। उज्जैन चूँकि पश्चिम में है तो उज्जैन में जो चंद्रोदय का समय था वो 5:43 का समय था और 6:19 तक आंशिक ग्रहण देखा जाना था, लेकिन पूर्व में बहुत घने बादल होने के कारण अभी तक चंद्रमा देखने की स्थिति नहीं बनी है। जो भी पर्यटक चूँकि बड़ी संख्या में वेधशाला आए थे तो हमने ग्रहण की स्थिति, आज चंद्रमा, सूर्य की स्थिति की पूरी जानकारी प्रदान की गई, उनको बताया गया किस किस प्रकार का है और कैसे देखा जाना चाहिए।
स्ट्राइको 10 रुपए में चलें 100 किलोमीटर। जी हाँ, मात्र 10 रुपए में करें 100 किलोमीटर का सफर तय। रोज बढ़ती पेट्रोल की कीमतों से पाए छुटकारा, स्ट्राइको पर आपको मिलेगी मेड इन इंदौर ई बाइक्स की विशाल श्रृंखला। वोल्ट, स्प्रिंट, वर्ब, कैस्ट्रा जैसे मॉडल्स सभी रंगों में हैं उपलब्ध। लेड एसिड बैटरी पर 1 साल और लिथियम आयन बैटरी पर 3 साल की गारंटी। डेबिट, क्रेडिट, बजाज कार्ड के साथ फाइनेंस सुविधा भी है उपलब्ध। और हाँ, सीनियर सिटीजन और महिलाओं को मिलेगा विशेष डिस्काउंट। आज ही विजिट करें हमारा पता 26/1 मॉडल स्कूल के सामने, इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9131145418। हरिहर मिलन के दौरान आतिशबाजी करने वाले युवकों पर प्रकरण दर्ज होने के बाद पटनी बाजार के रहवासी अपनी शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे। इन लोगों ने आरोप लगाया कि उनका बेटा आग बुझाने गया था, उसे ही पुलिस वालों ने ढूंढ दिया। पटनी बाजार क्षेत्र से आए इन लोगों ने पुलिस कार्रवाई पर जमकर आक्रोश जताया है। इनका कहना था कि पुलिस ने जिन युवकों के साथ मारपीट की है, वो महालक्ष्मी पात्र भंडार की गैलरी में लगी आग को बुझा रहे थे, क्योंकि उन्हें महालक्ष्मी पात्र भंडार के मालिकों ने कहा था कि आतिशबाजी से उनकी दुकान में नुकसान ना हो, लेकिन पुलिस कर्मियों ने इन युवकों को ही जमकर पीट दिया। युवकों के परिजनों ने एसपी से निष्पक्ष कार्रवाई करने का निवेदन किया है। मेरे बेटे सामने आग लगी तो बुझाने गए, अब हमने सामने आग लगी कि बुझाएंगे नहीं, जाएंगे सब बच्चे दौड़ के, और वो तो भाग गए थे, वो बोल के गया मेरे घर पे कभी आग लग जाती तुम देखना, तो मेरा बेटा गया तो उसको ऐसा जैसा भी उतरा और उन्हें पकड़ लिया 6-7 पुलिस वालों ने, उसको इतना पीटा वहाँ पीट लिया, फिर हमारे घर के सामने दुकान के सामने भी उसको भूसा ढेर दिया, फाड़ दिया पूरा, आप देखो ना वीडियो, इतनी बुरी तरह से मारा मेरे बेटे को, वीडियो नहीं दिखा दो, वीडियो लो तुषार को। अरे यार, वार्ड नंबर 53 की महाशक्ति नगर के रहवासियों ने नगर निगम में अपना प्रतिनिधि तो ये सोचकर चुना था कि वो उनकी समस्याओं को हल करेगा, लेकिन परेशानी दूर करने के बजाय पार्षद क्षेत्र में आते तक नहीं है। करीब 7 साल से रहवासी गंदगी, नालियां नहीं होने, टूटी सड़कें और बदहाल बगीचों की समस्या से जूझ रहे हैं। शिकायत करने के बाद भी रहवासियों की सुनी नहीं जा रही है। क्षेत्रीय पार्षद किस तरह काम कर रहे हैं, ये जानने समझने के लिए अभय न्यूज के जर्नलिस्ट राजवीर सिंह महाशक्ति नगर पहुंचे तो यहाँ के रहवासी गुस्से से भरे दिखाई दिए। यहाँ रहने वाली कृष्णा वर्मा ने बताया, यहाँ पर कोई साफ सफाई में कोई नहीं हुआ है। पहले के पार्षद भी कहते थे कि हमें वोट दे दो, हम यहाँ नाली बनवा देंगे पक्की, पक्की नाली बनी ना कुछ हुआ है। और अभी के पार्षद में भी सिर्फ घर घर आते हैं पाँव पड़ने के लिए, फिर उसके बाद से हमको शकल नहीं दिखाने आते। हमारा पूरा यहाँ से वहाँ तक साफ गंदगी पड़ा रहता है, मच्छर भी होते हैं यहाँ पर। हमने उस पर भी कंप्लेन करी थी, तो हमारी कंप्लेन सिर्फ 2-3 बार सुनी, उसके बाद में हमारी कंप्लेन काट दी खुद ही ने। CM हेल्पलाइन पे भी कंप्लेन करी थी हमने ये नाली के लिए, पर हमारी हल्की हल्की कंप्लेन काट दी। आपने श्रीमती वर्मा का गुस्सा देखा, अब वीडियो से हम आपको पूरा क्षेत्र दिखाते हैं। ये महाशक्ति नगर की सड़कें हैं, इसके दोनों किनारों पर कचरा पड़ा हुआ है। सड़क के किनारे पर नाली तक नहीं है, कच्ची नालियों में कचरा फंसा हुआ है, इस वजह से पूरे क्षेत्र में गंदगी हो रही है। ये कॉलोनी का बगीचा है, बारिश के बाद पूरे बगीचे में घास ही घास हो गई है। इन घासों के बीच जंगली जंतुओं के आने का खतरा रहता है। रहवासियों ने बगीचे की सफाई की मांग की तो पार्षद प्रतिनिधि करण परमार ने घास काटने की छोटी मशीन भेज दी। इतनी छोटी मशीन से पूरे बगीचे की सफाई कैसे होगी, इस पर करण परमार जवाब नहीं दे सके। बहरहाल महाशक्ति नगर के रहवासी अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसे हल करने वाला कोई नहीं है। वार्ड क्रमांक 53 महाशक्ति नगर की नालियों की सफाई काफी समय से नहीं की गई है, एवं सड़कों पर नालियों में पाइप डलवाने के पश्चात सड़क को भी नहीं बनवाया गया है, सड़कें कच्ची पड़ी हुई है। पूर्व 8-10 सालों समस्या नाले की अपनी यहाँ पे एक 3 स्कूल है, क्रिश ज्योति स्कूल, सेंट्रल स्कूल और टाउन पब्लिक स्कूल, सारे बच्चे 5,000-6,000 बच्चे रोशनियाँ से निकलते हैं, और 5 गाड़ियाँ रोशनियाँ से निकलती है अपनी गाड़ियाँ, दो चार एक्सीडेंट रोज के यहाँ पे होते हैं, गाड़ियाँ इसमें उतर जाती है, गंदगी इतनी हो रही है यहाँ पे कि बता नहीं सकता आप गंदगी की यहाँ कितनी हो रही है। मच्छर वच्छर मवेशी असामाजिक तत्व में बैठे दर भैया बैठे रहते हैं, आज ये गंदगी देखो सामने, इधर नाला खुला पड़ा हुआ अपना, टाटा काम पूरे गड्ढे खुदे पड़े अपने, कोई सफाई वही कुछ नहीं होती है, किसी से बोल लो कोई इतना फसल भरने पड़ता है यहाँ पे। कितनी बार कंप्लेंट हो चुकी है पर कोई आके ये भी नहीं बोलता है कि क्या काम है क्या है, कुछ भी नहीं। आप नगर निगम से क्या कहना चाहेंगे? नगर निगम से क्या कहना चाहेंगे यार, उनसे कितना बोले, यहाँ की सफाई चाहिए हमें, और क्या आए दिन तकलीफ होती है, कोई ना कोई गिरता रहता पड़ता रहता, चोट आ रही किसी को, कोई तकलीफ हो रही है। अच्छा, यहाँ की है वैसे बहुत सारी समस्या, लेकिन मेन समस्या गार्डन की है, गार्डन में साफ सफाई होती नहीं है। नगर निगम में हम
वहाँ फ़ोन करते हैं वो कोई सुनते नहीं है, पार्षद कोई फ़ोन करते हैं वो भी नहीं सुनता है। मैंने सीएम हेल्पलाइन में फ़ोन किया 30 तारीख को, तो मेरे पास 2 तारीख को मैसेज आया कि आपकी समस्या हल कर दी गई है, आपका गार्डन साफ हो गया है, लेकिन यहाँ पे ना तो कोई आया है ना कोई फ़ोन से कॉन्टेक्ट किया है। और देख लो आपके सामने जो भी है सारा सब गंदगी है, सूअर है, सब यहाँ पे आए दिन गंदगी करते रहते हैं। नगर निगम से हम इस गार्डन के बारे में कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, तो कभी आते हैं तो वो JCB लेके आएंगे, जरा सा काट जाएंगे, फिर आकर के कहेंगे कि आप पैसे इकट्ठा कर लो, हमारे को डीजल एक लिमिटेड उसमें मिलता है तो डीजल हमारे पास रहता नहीं तो हम पूरी नहीं चलाएंगे। कभी कहेंगे कि वो मजदूर आके करेंगे, JCB से नहीं होगी या कटिंग जो मशीन से उससे नहीं होगी। और दिन भर यहाँ पे सुअरों का, और अभी बारिश में तो कई बार यहाँ पे सांप वगैरह भी बहुत निकलते रहते हैं, तो उससे काफ़ी परेशानी है लोगों को। अगर गार्डन अच्छा हो जाएगा तो कम से कम सभी जो काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं जो हम लोग यहाँ से घूमने के लिए भी करीब 2-3 किलोमीटर तक वहाँ गार्डन शहनाई गार्डन के इधर और इधर जाते हैं, तो कम से कम यहीं पे बैठने का और घूमने का हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे यहाँ पे गंदगी वाड़ा बहुत है, पार्क साफ़ नहीं है, आप भी देख लो, पार्षद जी को बोल दिया पर वो साफ सफाई नहीं करवा रहे। 10 साल हो गए, 10-12 साल से ऐसे ही पड़ा। वार्ड क्रमांक कौन सा है? 53। यहाँ के पार्षद निर्मला करण परमार। यहाँ पे पार्क की हालत अभी भी वैसी है जैसे पहले थी, यहाँ पे जीव जंतु घास ये सब इतनी बड़ी हो रही है कि आसपास के बच्चे भी उस पार्क में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ नाम का पार्क रह गया है। इसलिए मैं अनुरोध करूँगा पार्षद जी से कि प्लीज़ इस पार्क को जल्द से जल्द सही करवाएं और इसको एक नया आकार दें। यहाँ के मोहल्लों की नालियाँ ब्लॉक है, पानी बाहर रोड पर बह रहा है, गंदगी फैल रही है, इस सब चीज़ को देखें और इसका सॉल्यूशन निकालें ताकि यहाँ के जो आम जनता है, माँ शक्ति नगर की नागरिक हैं, वो आराम से स्वस्थ रह सकें, अच्छे से रह सकें और किसी कारण से कोई परेशानी ना हो। सबसे बड़ा मकसद यही है कि हमारा पार्क सही हो जाए ताकि आस पड़ोस के जो छोटे बच्चे हैं वो पार्क में इजीली खेल सकें, झूला झूल सकें, ऐसा कुछ प्रावधान रखें उनकी तरफ से। हनु फाइनेंस एंड सर्विस, करें अपने सपनों को साकार। हम देंगे सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन की सुविधा, सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन कम से कम ब्याज दर पर, और साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, मेडिक्लेम, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और भी बहुत सी सुविधाएं। हम बनेंगे आपके फाइनेंशियल एडवाइजर, तो एक बार संपर्क जरूर करें। हमारा पता 121-14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766001 या फिर 7247766002। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522-51432। कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती पर गुरु नानक घाट स्थित गुरुद्वारे में हजारों लोगों ने लंगर झका। गुरु नानक घाट पर प्रकाश पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए लंगर का आयोजन 3 दिन से किया जा रहा है। इन 3 दिवसीय लंगर में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। सिख समाज के समाज सेवी महेंद्र सिंह विग ने बताया, ये जो प्रोग्राम है गुरु नानक देव जी का, जो जन्म प्रकाश पर्व मना रही संगत, इसमें पिछले कई समय से वैसे यहाँ लंगर तो रोज ही बनता है, लेकिन 3 दिन का विशेष लंगर का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें जो भी यात्री, इसमें जरूरी नहीं कि खाली सिख समाज, इसमें सभी धर्म के लोग आके, आप देख सकते हैं लंगर प्रसादा छक रहे, और आज ऐसा अनुमान है कि लगभग 25,000 से 30,000 संगत के लिए लंगर की व्यवस्था की गई है, जो कि हमें बड़ा गर्व है कि गुरु नानक देव जी ने जो ये लंगर की प्रथा चलाई है, हम उस सेवा में गुरु साहब की जो सेवा है हम करके अपना जीवन सफल कर रहे हैं। गुरुद्वारे में इस मौके पर अमृतसर से आए गुरु महाराज सूखा जी बाबा सुखविंदर सिंह खार सेवा भूरी वाले संप्रदाय भी उज्जैन आए हैं। लंगर में बड़ी संख्या में सिख समाज के समाज सेवियों ने सेवा दी। रात को दीप माला प्रज्वलित की गई और आतिशबाजी भी की गई। विक्रम विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय संगोष्ठी के 3rd सत्र के चयनित शोध पत्र पेश किए गए। श्रेष्ठ शोध पत्र का चयन विक्रम कालिदास पुरस्कार के लिए किया गया है।
राष्ट्रीय संगोष्ठी की अध्यक्षता प्रोफेसर बालकृष्ण शर्मा पूर्व कुलपति विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन ने की। मुख्य अतिथि प्रोफेसर राम राकेश मिश्र पूर्व कुलपति विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन थे। सारस्वत अतिथि प्रोफेसर बसंत कुमार भट्ट अहमदाबाद एवं विशेष अतिथि डॉक्टर अनिल प्रताप गिरी आगरा तथा डॉक्टर प्रशांत पुराणिक कुल सचिव विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन थे। कालिदास समिति विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के सचिव प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा ने रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस सत्र में विक्रम कालिदास पुरस्कार हेतु देश के विभिन्न भागों से प्राप्त एवं चयनित शोध पत्रों का वाचन किया गया है। इस अवसर पर विक्रम कालिदास पुरस्कार के लिए चयनित शोध प्रस्तुताओं की घोषणा की गई। इन्हें 5,000 रुपए की पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र 10 नवंबर को अपराह्न 4 बजे छत्तीसगढ़ की महामहिम राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके प्रदान करेंगी। पुरस्कार के लिए डॉक्टर आशा श्रीवास्तव जबलपुर, डॉक्टर मधुबाला शर्मा जयपुर, डॉक्टर राजीव रंजन एवं डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह नई दिल्ली तथा नीदरलैंड की मारिया एलिजाबेथ बेकर के शोध पत्रों का चयन किया गया है। संचालन डॉक्टर रमन सोलंकी ने किया। आभार कालिदास अकादमी की उप निदेशक डॉक्टर योगेश्वरी फिरोजिया ने माना। महाकाल फूड एंड कैफे रेस्टोरेंट, एक स्वाद जो दे अपनेपन का एहसास। हमारी विशेषता स्पेशल थाली, पंजाबी थाली, रेगुलर थाली और सब्जी पूरी, साथ ही लुफ्त उठाएं सभी प्रकार के इंडियन, साउथ इंडियन और चाइनीज डिशेस का, वो भी रीजनेबल रेट्स में। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी या कोई भी हो फंक्शन, हम देंगे आपके लिए शानदार मेहमान नवाजी। टिफिन और पार्सल सुविधा भी है उपलब्ध। हमारा पता जी 2/3 जवाहर नगर नियर कॉस्मोस मॉल नाना खेड़ा उज्जैन। मोबाइल नंबर 8889925481 या फिर 8889925491। और अब खबरें दे दनादन। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए सैयद मकसूद अली को जिले के लिए सह समन्वयक बनाया गया है। यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में आएगी और करीब 13 दिन प्रदेश में रहेगी। इस दौरान ये 2 दिन के लिए उज्जैन में भी रहेगी। केंद्रीय कोल एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी बुधवार शाम 4 बजे उज्जैन आएंगे। वह श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद वह इंदौर जाएंगे और वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। भाजपा के सोशल मीडिया विंग के संयोजक सुहास वेदी पदाधिकारी घोषित कर दिए गए हैं। मेहुल बोराना, सौरभ श्रीवास्तव नगर संयोजक, संस्कार बैरागी और दीपांशु खंडेलवाल विधानसभा प्रभारी, प्रशांत सिंधे, सागर शर्मा, गोविंद गिल और ब्रह्मानंद पाटीदार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रभारी बनाए गए हैं। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी सावे रोड उज्जैन। तो ये था उज्जैन शहर का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है या आपके क्षेत्र में कोई समस्या है, आप हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे इनबॉक्स, हमारे कमेंट सेक्शन या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111144007 के जरिए। कल दोबारा मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।